हमीरपुर संसदीय सीट को लेकर बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसके लिए बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी के चलते हर दिन संसदीय क्षेत्र में धूमल स्वयं पहुंचकर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरकर सांसद अनुराग ठाकुर को दोबारा काबिज करने के लिए काम कर रहे हैं। हमीरपुर के निजी कॉलेज में मंडल हमीरपुर कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने 17 फरवरी तक मंडलों की बैठकों को पूरी करने के अलावा मन की बात विजय रथ में भी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया। पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जिताने के लिए हर कार्यकर्ताओं को जुटना होगा और तभी मोदी एक बार फिर से देश की कमान संभाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद जिला व ब्लॉक स्तर पर बैठकें कर सुनियोजित ढंग से प्रचार को गति प्रदान की जा रही है ताकि चुनाव घोषणा से पूर्व ही पार्टी का कार्यकर्ता घर घर तक अपनी दस्तक दे सके। अभी 10 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक शिमला में हुई थी, वहाँ पर निर्णय हुआ है कि हर मंडल से बैठक होगी आवास की बैठक। हमीरपुर में आज पहली बैठक थी। इसी बीच में 17 फरवरी तक सभी मंडलों के बैठते हुए 24 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मन की बात होगा। इस बीच में शिमला और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक रथ भी विकास रथ भी चल रहा है जिसमें केंद्र की योजनाओं का विस्तृत चिंतन किया गया है। जो कार्यक्रम हुए हैं वो सब जगह विधान है। 26 फरवरी को ये कार्यक्रम रखा गया है। 2 मार्च को बाइक रैली है जो इसका आयोजन युवा मोर्चा करेगा, लेकिन सारा उसमें सहयोग करेगा। इस बार से अगले महीने तक प्रोग्राम पहले सप्ताह तक के तैयार करके सभी मंडलों को भेज दिए गए हैं। उसी संबंध में आज एक बैठक थी, चर्चा भी हुई और मार्गदर्शन। वहीं जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि एक बार हमीरपुर ने विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ खोया है और एक साल के दौरान हर कार्यकर्ता को इसका आभास भी हुआ है। उन्होंने फौज की तर्ज पर 2 महीने तक किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी छुट्टी न करने की अपील की ताकि तन मन धन से पार्टी की सेवा की जा सके। इस अवसर पर मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान, कोषा अध्यक्ष हरीश प्यारेलाल शर्मा, देशदास शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा भी मौजूद रहे। आज हमें मान लिया हमसे जाना पड़ेगा कि जब यूं की घोषणा हो जाती है, कर्नल जयराम जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये भी अवसर है कि तो जितना भी भौतिक वायु है सब की सुविधा हो गई है। तो अगर आप मान कर आए यहाँ से कि आपको कोई महीने कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है, कोई भागने वाली नहीं है, जो पार्टी का घोष होगा उसके लिए काम करें। ये माना हुआ कि मेरे घर में शादी है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, एक ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोग मैंने पार्टी के लिए लगाए। नेतृत्व हमने बहुत कुछ यहाँ खोला है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हम लोग कुछ जिला में जो खोया है आप लोग आज महसूस कर रहे हैं। एक साल हमने खो दिया, लेकिन भाई और बहन दूसरा साल हमारे पास आज पूरे देश में नहीं, देश में उसका नाम चल रहा है।